स्वागत है टू से फाइव चैनल में। आज बनने जा रहा है मालपुआ, वो भी उत्तर प्रदेश का डेजर्ट है। चलो बनाते हैं। कैसे बनाने का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैदा ले ली हूँ 250 ग्राम और कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ। चलो बनाते हैं। 200 ग्राम मैंने मैदा ले ली हूँ, तो इसमें मैं 100 ग्राम मैं इसमें रवा डालती हूँ, यानी सूजी डाल देती हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर है कूट के पीस के ले ली हूँ, ये डाल देती हूँ। अब थोड़ा सा सौंफ मैं मिक्सी में पीस ली थी उसका पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। इसमें काजू है, बादाम, थोड़ा किशमिश है, ये मैं डाल देती हूँ। और इसमें हम 3 से 4 चम्मच हम मावा डाल देते हैं, मावा एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश है, तो ये मैं डाल देती हूँ 2-3 चम्मच। अब हम दूध ली हूँ, 1 कप में दूध ली हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें चीनी मिला देते हैं और इसको भी डाल के हम हिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी मिला के हम अच्छे से मिला लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से घुल जाए चीनी। अब हम फिर आगे के काढ़ने की, इसको तलने की तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं मैं चाशनी बना ली हूँ, और चाशनी बनाने के लिए कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। आप 2 कप चीनी ले लो और 1 कप पानी डाल के एकदम पतला चाशनी बना लो। इसमें तार वार कुछ नहीं चाहिए, बस एक चिपचिपा सा लगना चाहिए। तो देखो मेरी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, वो भी लाल वाला डालेंगे, इससे मालपुआ का कलर बहुत अच्छा लगता है। तो हम थोड़ा सा डाल के मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं लाल कलर डाली हूँ, इससे कलर थोड़ा अच्छा लगता है मालपुआ देखने में। तो हम अब चाशनी मेरा तैयार हो गया, अब चलो हम तलते हैं। ये पैन ले लिए हैं तलने के लिए। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि मालपुए अच्छे से फूले। आधा पैन डाल दिया मैं ऑयल, थोड़ा गरम होने दो ऑयल को। अब हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें मालपुए तलेंगे। अब हम छोटी सी कलछी लेंगे, कलछी डाल के अब उसी से हम थोड़ा थोड़ा मालपुए डालेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, एकदम मीडियम हीट पे। देख सकते हैं मैं एक बार में 4 बार तो ये डाल दी हूँ, और एक और डाल सकते हैं, थोड़ा जगह है, जैसा आपका पैन है वैसा डाल सकते हैं जगह के अनुसार। अब हम स्लो कर दिए हैं गैस, अब हम इसको अच्छे से तो तलते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है, फूल रहा है, यानी मेरे मालपुआ एकदम अच्छे से देख सकते हैं फूल रहा है, एकदम ऊपर आ गए हैं, एकदम बढ़िया बन रहे हैं। अब हम इसको उलट पलट देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फूले फूले मालपुए एकदम अच्छे बने हैं। अब हम इसको उलटते पलटते दोनों तरफ हल्का, अब एक प्लेट में हम निकालेंगे। देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गया है, एकदम हल्का कलर आ गया है। अब ये देखो मेरा तल के तैयार हो गया मालपुए। अब हम इसको चाशनी में डुबाते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसको डुबा लेंगे अच्छे से, फिर हम इसको निकाले। चाशनी थोड़ा गर्म रहना चाहिए। अब हम चाशनी में से इसको हम निकाल लेते हैं, एक डिश में रख लेते हैं। आपको चाशनी वाला नहीं खाना है तो ऐसा भी बनता है, बिना चाशनी का भी बनता है, वैसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। चाशनी वाला और बढ़िया लगता है खाने में, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम सारे मालपुए इसमें डाल देते हैं और सब डुबा के निकाल लेते हैं। मालपुए तैयार हो गए बनके।
अब हम इसको पिस्ता से थोड़ा पिस्ते से हम थोड़ा गार्निश कर देते हैं, इससे और सुंदर लगता है देखने में और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है, देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है, देखना सुंदर बना है। आप इस तरह बनाइए, खाइए और मेरे को लाइक सब्सक्राइब, बहुत अच्छे बहुत टेस्टी मालपुए बने हैं, एकदम अच्छे दिख रहे हैं। अब मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बाय।